आई होप यू डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना लिविंग रूम डेकोर। दिवाली के लिए मैंने किस तरीके से अपने लिविंग रूम को सजाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और कुछ DIY पे दिखाऊंगी कि मैंने कुछ चीज़ें किस तरीके से अपने हाथ से ही बनाई हैं और डेकोरेट किया है। तो गाइस, आज इस वीडियो में यही होने वाला है, छोटा सा लिविंग रूम को आप किस तरीके से लास्ट मोमेंट में डेकोरेट कर सकते हैं और कुछ छोटे से ईजी से DIY। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये है मेरा छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट। इसी छोटे से अपार्टमेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, किचन, लिविंग रूम, मेरा बेडरूम। तो गाइस, मेरे पास एक छोटा सा एरिया ही है, कॉर्नर ही है एज अ लिविंग रूम, तो उसी को मैंने डेकोरेट किया है क्योंकि बाकी साइड में मेरे पास इतना स्कोप नहीं था डेकोरेट करने के लिए। तो बस इतने छोटे से ही लिविंग रूम को मैंने डेकोरेट करने की कोशिश की है। तो गाइस, आज इसी को हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सोफे के बैक की वॉल के लिए, तो मैंने एक ये छोटा सा फ्रेम बनाया है, ये अपने हाथों से बनाया। तो चलिए गाइस, इसको देख लेते हैं हम कैसे बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक मैश बोर्ड लेना पड़ेगा, और आप कोई भी अपनी मनपसंद की रिबन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर की रिबन ली है, जो कि थोड़ी सी फ्रिल वाली है। बस आपको एक साइड से उसको एक छोटे से वायर के साथ टाई कर देना है, और उसको फिर लपेटते जाना है आपको वही बोर्ड की सहायता से। तो आप उसको बस राउंड राउंड ऐसे लपेटते जाइए। फ्रिल है वो आपको बस इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। और उसके बाद मैं उस पर लगाने वाली हूँ छोटे से पॉम पॉम, जो कि मैं लगाऊंगी ग्लू गन की मदद से। तो आप पॉम पॉम इस तरीके से लगा सकते हो। पॉम पॉम लगाने से बहुत ही कलरफुल और अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेम में जब रिबन लग जाएगी तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद मैं बनाऊंगी छोटे छोटे टिश्यू के फ्लावर्स। ये टिश्यू के फ्लावर मैं ऑलरेडी अपने वीडियो पर शेयर कर चुकी हूँ, तो आप ये आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो उसी को मैं अपने सेम वायर की मदद से उसको वहाँ पे मैं स्टिक कर दूंगी या लगा दूंगी। तो इस तरीके से मेरा एक छोटा सा वॉल फ्रेम रेडी हो जाता है, जो कि बहुत ही ईजी है, क्विक है, और बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में और कलरफुल भी। नेक्स्ट आती है सोफे की बारी। तो सोफा मेरा एकदम वाइट लेदर सोफा है, तो उसके ऊपर थोड़ा कलर ऐड करने के लिए मैंने अपनी बांधनी की चुन्नी ली है। आप कोई भी अपना बांधनी या कोई भी दुपट्टा या कोई भी शॉल ऐसा कलरफुल ले सकते हो थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी बांधनी का दुपट्टा ले लिया है और इसी को मैं सेट कर दे रही हूँ। इससे इंस्टेंट मेरा जो सोफा है वो काफी कलरफुल और अच्छा दिखना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट ये जो कुशन है, इसे मैंने थोड़ा पॉम्पॉम से डेकोरेट कर दिया, तो इसे भी कैसे बनाना देखते हैं। तो आपको एक सादा सा कुशन कवर लगेगा, मैंने यहाँ पे येलो कुशन कवर लिया है, और उसके ऊपर मैं ये पॉम्पॉम लगाना स्टार्ट करूंगी। अगेन ग्लू गन या फैब्रिक ग्लू की मदद से आप इसको लगा सकते हो। तो एक एक करके मैं इसे प्लेस कर दूंगी, और ये जो हमारा कुशन है वो हमारा अब रेडी हो चुका है, जो कि काफी कलरफुल और अच्छा लगता है। कुशन के बाद बारी आती है कुछ लाइट्स की। दिवाली तो अधूरी है लाइट्स के बिना। तो ये मैंने आइकिया से लिया था पेपर लाइट, तो इसी को मैं साइड में यहाँ पे फिक्स कर दे रही हूँ, जो कि मैंने हुक में लगाया है। और उसके साइड में छोटा सा मैंने इंडोर प्लांट रखा है, कैंडल रखी है, और ये एक DIY प्लेट है जो कि मैं आपको शेयर करूंगी कैसे बनाना है। और उसके ऊपर मैंने कैंडल कुछ सजा दिए हैं। नेक्स्ट आती है रग की बारी। तो मैंने सोफे के पास एक छोटा सा रग रखा है, ताकि जब हम बैठे तो हमारे पैर को थोड़ा सॉफ्ट और अच्छा लगे और हमारे पैर क्लीन रहे।
उसके बाद जब हम आते हैं टेबल डेकोर के ऊपर, तो मैंने रखा है एक छोटा सा जूट का टेबल मैट, और ये भी मैंने आइकिया से लिया है, अपने आइकिया हॉल में शेयर किया है मैंने ये सारे डेकोरेशन आइटम। और मैंने उसमें कुछ छोटी छोटी तीन चीज़ें रख दी है, और मैंने ये जो प्लेन वास लिया था वो इसलिए लिया था ताकि उसके अंदर अगर मैं लाइट या कुछ भी डालूँ तो वो दिख सके। तो उसके अंदर मैं LED लाइट्स डाल दे रही हूँ, ये छोटी छोटी फेरी लाइट्स जो कि पर्ल शेप में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ये लाइट्स बैटरी ऑपरेटेड है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है सॉकेट्स की। उसके बाद थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ आइकिया से फ्लावर लिए थे और कुछ मैंने टिश्यू फ्लावर्स बनाए थे वाइट कलर के, तो उन दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा टेबल कॉर्नर रेडी। उसके बाद ये जो प्लेट है ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, तो चलिए गाइस इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आपको लगेगा क्ले, जो हमें नॉर्मल क्ले मिलता है वो, उसको आपको अच्छे से बेल लेना है, एकदम फ्लैट कर लेना है, और फ्लैट करने के बाद आप उसको नॉर्मल बेलन की मदद से कर सकते हो। उसके ऊपर आपको जो भी डिज़ायर्ड शेप है लाइक लीफ है जो भी वो रख सकते हो। तो मुझे ये बड़ी सी बादाम की पत्ती मिली थी तो मैंने वो उसके ऊपर रख दी। अगेन उसको रोल किया, और उसके बाद रोल करने के बाद उसका इम्प्रेशन लेने के बाद मैं उसे कटर की मदद से एक्सेसिव जो है वो कट कर ले रही। इस तरीके से आपको एक लीफ का अच्छा खासा शेप मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने लीफ को निकाल दीजिए और आप देखोगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाता है। फिर आपको क्या करना है, साइड से उसको थोड़ा सा ऐसे अपवर्ड मोशन में आपको थोड़ा पिंच करते जाना है, एक शेप देते जाना है, जैसे एक प्लेट का शेप होता है उस टाइप से। और वो होने के बाद आप उसे ड्राई करने के लिए रख दीजिए। जैसे ही 2 to 3 hours में या हो सकता है 6 hours में ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप इसके ऊपर गोल्डन स्प्रे या सिल्वर स्प्रे, आपका मनपसंद कलर आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। तो स्प्रे होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अब उसे हम प्लेस कर देंगे टेबल के ऊपर, और आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं अपनी कैंडल्स के साथ। और ये मैंने कैंडल्स के ऊपर एक गोल्डन कलर का टेप लगा दिया है, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और डेकोरेट कर दिया है कुछ आर्टिफिशियल पेटल्स से, और थोड़े से कैंडल्स से मैं डेकोरेट करूँगी, बिकॉज दिवाली अधूरी है लाइट्स के बिना। जितनी लाइट्स जितने कैंडल्स उतना ही सुंदर लगता है। तो ये हो गया हमारा टेबल का सेटिंग रेडी। अब बात करते हैं ये मेरा जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा प्लांट रखा है, और एप्पल सिनेमन वाली कैंडल जो आइकिया से ली थी वो रखी है, और ऐसी 2 pebbles रख दी है, और थोड़े से पेटल्स एंड कैंडल्स। तो ये सच के छोटा सा कॉर्नर, छोटी सी चीज़ों से ही आपका कॉर्नर खूबसूरत बन जाता है। एट लास्ट ये जो टोफ्टा मैंने लिया था आइकिया से जो कि फ्रेगनेंस वाले है, उसमें मैंने LED लाइट्स लगा के और कुछ 5 pebbles डाल के ऐसे ट्रे में डाल के उसको टेबल के नीचे रख दिया है, तो वो वहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। बात करते हैं मेरे एंट्रेंस की, तो मैंने ये वेलकम छोटा सा बोर्ड बनाया था तो वो लगाया है, और ये मैंने डोर मैट को भी थोड़ा पॉम पॉम से डेकोरेट कर दिया था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई यहाँ पे, तो मैंने ऐसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पे डेकोरेट कर दी है। दिवाली के दिन मैं यहाँ पे रंगोलियाँ बनाऊँगी। गाइस ये है हमारा फाइनल लुक रेडी होने के बाद किस तरीके से दिखता है। Thank you.
गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और अगर लगा है तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और आई होप आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपडेट्स के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपको बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, गुड लक एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।